पाकिस्तान में 4 दिन तक चले पॉलिटिकल ड्रामे के बाद शुक्रवार देर रात पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में अपने घर जमान पर पहुंच गए। खान को इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने 1-3 राहत दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादर यूनिवर्सिटी केस में उन्हें 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने कहा खान को किसी भी केस में 17 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व पीएम को 4 केस में 22 मई तक जमानत देते हुए 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इमरान खान ने कहा ये सब आर्मी चीफ के इशारे पर हो रहा है, उन्हें डर है कि अगर मैं सत्ता में आया तो उन्हें हटा दूंगा, हालांकि मैं ऐसा नहीं करने वाला और ये मैंने उन्हें बताया है, फौज में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। वहीं शुक्रवार को पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा हम देश में मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान कैबिनेट में इमरजेंसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद इमरान उसकी कॉपी लेने के लिए रात 10:30 बजे तक कोर्ट में ही थे। इसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ लाहौर के लिए रवाना हो गए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।